सर नमस्कार, मार्केट संवाद में स्वागत है आपका। तो आपने कल विशाल रूप से झांसी के अंदर आपने जो विशाल ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन के स्तर से क्या लगता है झांसी नगर निगम के अंदर आखिरकार क्यों नहीं हो रही हैं आपकी मांगें पूरी? मैं राम प्रसाद बाल्मीक जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ। समस्याओं के संबंध में हमारे जनप्रिय जिलाध्यक्ष अशोक प्याल जी, कर्मर सिंह मंदार संघर्षशील नेता हमारे हैं, उन्होंने कुछ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम में ज्ञापन दिया। ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हुई नगर आयुक्त के द्वारा, नापर के द्वारा, और शायद मेरी दिमाग में ये आया कि उन्होंने सोचा कि उन्हें इस गरीब सफाई मजदूर वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के नगर आयुक्त महोदय से, और इसीलिए कोई सुनवाई न करने पर फिर उन्होंने धरना दिया। धरने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की, यदि जी ऐसी सी बात, नगर निगम का प्रशासन जो है पूरी तरीके से सफाई कर्मचारी का शोषण कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई शासन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं सुनवाई हो रही, आप कमिश्नर साहब को यहाँ व्यवस्था करिए जी। इन्होंने पहली तारीख दी, मैं आया और कल कमिश्नर साहब के यहाँ जो ज्ञापन दिया गया उनसे मेरी वार्ता भी हुई। आदरणीय श्री दीक्षित जी अपर साहब थे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया पूरी तरीके से, जिलाध्यक्ष हमारे साथ में थे, कि आप बेफिक्र रहिए, हर कीमत पर गरीब सफाई कर्मचारी के साथ न्याय किया जाएगा और कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी कीमत पर आप लोगों के साथ किसी कोई जुर्म जास्ती नहीं होगी। रही बात नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन आज दिन तक सफाई कर्मचारी के प्रति सदैव उदासीन रहा है और इस चक्कर में समय ज़्यादा देता है, मेहनत ज़्यादा करता है कि सफाई कर्मचारियों में किसी भी तरीके से सफाई मजदूरों में संगठनों में गुटबंदी करा दें, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करेंगे, तो एक को गोदी में बिठा लेंगे, दूसरे को छिटकार देंगे, जिससे अगर ये नियम नहीं वो करेंगे, ये नीति नहीं अपनाएंगे, तो सफाई कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगे। शोषण के दो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सफाई कर्मचारी ने मेडिकल अवकाश लिया, अवकाश लेने पर उसने जो है जब वापस आया ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने पर अपना मेडिकल प्रमाण पत्र दिया, उस पर कह दिया कि आप सीएमओ को काउंटर साइन कराइए। वो बेचारा गरीब आदमी सीएमओ से काउंटर साइन भी करा लाया, लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है उसको ड्यूटी पर नहीं लिया। इससे ज़्यादा और शोषण का प्रतीक और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, मृतक आश्रित के प्रति सभी विभागों में सभी अधिकारियों की बड़ी सहानुभूति रहती है, लेकिन इस नगर निगम झांसी के प्रशासन में मृतक आश्रित के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, चाहे तुम कल मर जाओ। इससे मैंने ये समझा कि इसी नगर निगम झांसी में इससे पूर्व हमारे सफाई स्वच्छकार समाज के सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष महोदय आए, प्रोटोकॉल प्राप्त हैं श्री मुन्ना सिंह जी धानो। आप समझिए कि प्रोटोकॉल प्राप्त व्यक्ति को इस नगर निगम के प्रशासन ने पूरी तरह की इच्छा कर दी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि नगर निगम में ये समझ के कार्रवाई की जा रही है। ये गरीब सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि जाति के हैं, इनका जितना शोषण कर सको करो, क्योंकि इनकी सुनवाई उनके ऊपर पहुँचें हो सकती हैं, लेकिन मैंने भी अपने जिलाध्यक्ष को अपने साथी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि हम किसी भी कीमत पर इन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, नाकारा अधिकारी और जिनके अंदर छुआछूत की भावना अदृश्य रूप से दिखाई पड़ रही है, ऐसे अधिकारियों को माननीय नगर विकास मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल इनको नंगा करके मानूंगा और इनके खिलाफ लिखित कार्रवाई निश्चित करूंगा। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है सभी पत्रकारों को, क्या रहा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा लक्ष्य क्या था आज? उसका मेन लक्ष्य ये रहा है कि जो हमारा 12 सूत्री मांग पत्र था जी, उसके संबंध में, और दूसरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पूर्व में अभी विगत विरोधी संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमारा जो संगठन है वो फर्जी है, उसका हम लोगों ने ये खंडन किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका खंडन किया है, और विधिवत हमारा जो संगठन है वो 66 वर्ष से पंजीकृत है, उसका उनने पूरा प्रमाण पत्रकारों के समक्ष अपना दिया है। और रही बात जो 12 सूत्री मांगों के संबंध में, उसके संबंध में जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश आदेश दिया है, उसके क्रम में हमने कल कमिश्नर साहब से मुलाकात हो जाएगी, 2 दिन में उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उसके बाद में मुलाकात के बाद में यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पुनः 1 सप्ताह बाद हम लोग क्रमिक अनशन चलाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो झांसी शहर का काम बंद भी करा देंगे।